नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। में पूजा, पूर्व मंत्री पुष्पराज सिंह ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने की गई बातचीत में कहा कि दिल्ली में इंडिया टुडे द्वारा पुरस्कार समारोह में केंद्रीय पर्यटन मंत्री रेड्डी से मुलाकात के दौरान श्री सिंह ने अनुरोध किया कि मध्य प्रदेश के वाइल्ड लाइफ को भी राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन के रूप में शामिल किया जाए। साथ ही उन्होंने सुझाव दिया कि राष्ट्रीय स्तर पर वाइल्ड लाइफ टूरिज्म की पॉलिसी लागू की जाए। मध्य प्रदेश में व्हाइट टाइगर सफारी, बांधवगढ़ और संजय नेशनल पार्कों को एक लिंक में लाकर वाइल्ड लाइफ टूरिज्म पॉलिसी में समाविष्ट किया जाए, जिससे अन्य राज्यों की भांति मध्य प्रदेश वाइल्ड लाइफ टूरिज्म का विकास हो सके एवं राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश टूरिज्म की भी अपनी पहचान बन सके। आइए सुनाते हैं पूर्व मंत्री ने क्या कहा। तो ये अगर ट्राइबल को भी उसमें ले लें उस पॉलिसी में, तो ये त्रिकोणी तरीके से अगर एक नीति बने तो ये ट्राइबल के लिए भी अच्छी होगी, वन्य प्राणियों के लिए भी अच्छी होगी और भारत के पर्यटन के लिए भी अच्छी होगी। क्योंकि कोविड के बाद में अब फिर से भारत अपने आप में भी खुलने लगा है, इनबाउंड में भी आउटबाउंड में भी, और बाहर के भी हमारे टूरिस्ट अब आने लगेंगे इस साल नहीं तो अगले साल, अगले सीजन से। तो उसके लिए एक अच्छी सुदृढ़ पॉलिसी होनी चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा कि आप एक नोट बना के हमको दीजिए और हम उसको आगे बढ़ाएंगे, उसको आगे बढ़ाने के लिए वो तैयार हैं और उसको समाविष्ट करने के लिए वो तैयार हैं। उसके साथ साथ मैंने दूसरी बात उनसे निवेदन करी कि जो हमारा रीवा, चित्रकूट और बांधवगढ़ जो फंस रहा है वो रिलीजियस टूरिज्म के रूट में फंस रहा है, जिसको हम धार्मिक पर्यटन क्षेत्र कह सकते हैं, जो हमारा ओरछा से शुरू होता है जहाँ सबसे बड़ा राम मंदिर है और वो इलाहाबाद बनारस होते हुए अयोध्या जाता है। तो उसके बीच में यदि हम चित्रकूट को भी सम्मिलित कर लें, बांधवगढ़ को सम्मिलित कर लें, क्योंकि बांधवगढ़ एकमात्र ऐसा गढ़ है जिसको भगवान राम ने अपने भ्राता लक्ष्मण को दिया एक गिफ्ट के बतौर, एक उपहार के बतौर, और वहाँ पर जो मूर्ति स्थापित है वो वनवासी राम की है, तो वो भी उसमें सम्मिलित हो जाए। और उसके बाद हमारे यहाँ रीवा में राजाधिराज का मंदिर है, हमारे महामृत्युंजय का मंदिर है, तो एक धार्मिक पर्यटन का एक लिंक बनता है, राम वन है सतना और रीवा रोड के बीच में, तो निश्चित रूप से वो एक धार्मिक पर्यटन के लिए एक बहुत अच्छा लिंक बनता है। हम उसको एक्सटेंशन में जाके मैहर को भी जोड़ सकते हैं निश्चित रूप से। तो उसके लिए भी उन्होंने कहा कि एक नोट आप प्रस्तुत करें। दिल्ली में एक बहुत बड़ा कॉन्क्लेव था इंडिया टुडे के माध्यम से, और जिसमें कई राज्यों के अच्छे कार्यों पर पर्यटन के संबंध में और कल्चर के संबंध में उनको पुरस्कृत करा गया। मुझे भी वहाँ आमंत्रित करा गया था और भारत सरकार के पर्यटन मंत्री जी रेड्डी साहब वहाँ मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए थे। कई राज्यों को वहाँ अवार्ड्स मिले, जिसमें प्रमुख रूप से लगभग 3 अवार्ड उत्तराखंड को मिले, 3 अवार्ड गुजरात को मिले और तमिलनाडु, बिहार, अन्य राज्यों को भी अवार्ड्स वहाँ पर मिले। उस दरमियान हमारी अलग से बात माननीय रेड्डी साहब से हुई, जो भारत सरकार के पर्यटन मंत्री हैं, और मैंने उनसे निवेदन करा कि मध्य प्रदेश के अंदर चूंकि हमारे लगभग 7 ऐसे वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क्स हैं कि हमारा एक बहुत अच्छा वाइल्ड लाइफ टूरिज़्म डेवलप हो चुका है, हमें इनको भी कहीं ना कहीं सम्मिलित करना चाहिए और इनके कार्यों को वाइल्ड लाइफ टूरिज़्म अवार्ड के रूप में भी देना चाहिए। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार।
खुल गया खुल गया खुल गया, आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।